हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू बी प्रोलिफिक व्लॉग्स। आज मेरे व्लॉग में मैंने कॉर्नफ्लेक्स यूज करके मिक्सचर कैसे बनाने का करके दिखाने वाले हैं। तो पहले इसके लिए हमको बूंदी बनाने का है, तो बूंदी का रेशियो मैंने फर्स्ट स्वीट का बनाया तभी का वो ही आटा है, मतलब इसके लिए एक ग्लास का आटा में एक चम्मच का चावल का आटा डालने का और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके उससे हमको पहले बूंदी बना के निकालने का। बूंदी बना के साइड में रखने के बाद अभी हमको सेव बनाने का। सेव बनाने के लिए बेसन एक ग्लास लेने का और चावल का आटा भी एक ग्लास लेने का, दोनों को अच्छे से छीलने का, फिर उसके अंदर सॉल्ट डालने का, थोड़ा सा सॉल्ट और चिल्ली पाउडर ऐड करके हमको थोड़ा सा हॉट वाटर में ऑयल डाल के वो दोनों लाइटली उबालने के बाद वो वाटर उसमें ऐड करके हमको मिक्स करने का। थोड़ा अजवाइन, आपको चाहिए तो थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं, वो सब डाल के अभी मैं हाथ से मिक्स कर रहे हैं। तो लास्ट में हमको आटा ऐसे दिखाई देगा। फिर अभी सेव का प्रेशर में हमको थोड़ा छोटा छोटा बॉल्स बना के पहले ऑयल लगाने के उसके अंदर, हमारा साइड में ऐसे रहते हैं, तो उसके अंदर जो भी आटा हम लोग मिक्स किया ना थोड़ा थोड़ा उसके अंदर रखने का, फिर बाद में गर्म ऑयल में प्रेस करने का ऐसे। तो देखिए हमारा सेव भी बन गया और उसके नीचे मैंने जो भी बूंदी बना है ना पहले सॉल्ट वाला वो भी है। तो नेक्स्ट हम दोनों को इस दोनों को अच्छे से पहले बना के साइड पे रखने का, फिर बाद में मैंने क्या किया, चना दाल रहता है ना उसको एक और दो घंटे वाटर में पानी में सुखाने का, फिर उसको वाटर निकालने के बाद गर्म गर्म ऑयल में उसको भी फ्राई करके हमको निकालने का। इसके बाद ग्राउंडनट भी, मैंने एक कप का चना दाल लिया था ऐसे, एक कप का ग्राउंडनट भी लिया था फ्राई किया, फिर पाव किलो का कॉर्नफ्लेक्स लिया था वो भी फ्राई करके साइड पे रखा, फिर लास्ट में कड़ी पत्ते और लहसुन वो दोनों भी मैंने फ्राई करके उसमें ऐड किया था। बहुत इजी, आप लोग घर पे इजीली बना सकते हैं। तो पहले जिसमें हम लोग को सॉल्ट और चिल्ली पाउडर ऐड नहीं किया था उसको हम लोग को पहले अच्छे से सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और चिल्ली पाउडर, मैंने कॉर्नफ्लेक्स और चना दाल जो भी फ्राई किया ना उसको अच्छे से किया था, फिर बाद में जो भी सेव और बूंदी जो हम लोग पहले बना के रखा था ना वो सब इसमें मिक्स करके अच्छे से मिक्सअप करने का। ऐसे बहुत सिंपल है, आप लोग भी घर पे बना के देखो, बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं भी पहले बार बनाया था फिर अच्छा टेस्ट मिला था, सब लोग को बहुत पसंद किया था। आप लोग भी बना के देखो, टेस्ट अच्छा आता है। तो बनाने की बात कमेंट्स में बताइए आपको कैसे आया करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। सी योर फ्रेंड्स, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।